जिंदगी में कभी कभार ऐसा कोई टाइम आ जाता है जिसमें बंदा अपना खुद को छोड़ने की कोशिश बहुत कर लेता है, जीने की जो क्षमता है वो भी खो देता है, फिर भी जी जाता है, फिर भी जीना चाहता है। यही होता है जिंदगी। इस आत्म में कुछ इस तरीके का निशान है और ये बहुत दिन से परेशान है, शादी भी नहीं हुई है तो कब होगी। पहली जो बात है, इतना अच्छा लाक लाइन है, इतना अच्छा शान लाइन है, ये 2-3 लाख लाइन है, इसके साथ साथ एक रेखा गया है बृहस्पति का, और इधर जो मरकरी लाइन है छोटा छोटा है थोड़ा, लेकिन 2-3 है। तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हाथ है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला हाथ है। कहीं ना कहीं इसमें से ऐसा कोई भी रेखा नहीं है जो बहुत खराब हो, बहुत खराब बुरा रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि जो छोटा छोटा रेखा ही होता है, जो हल्का पतली सी रेखा ही होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा खराब रिजल्ट दे देता है। लेकिन हर एक रेखा इसमें इतना क्लियरिटी दे रहा है, इस बात को दर्शा रहा है, जो हर एक काम में रुकावट तो ज़्यादा नहीं है लेकिन सक्सेस ज़्यादा है इसके हाथ में। पहली तौर पर पहली जो मैं देखूँगा, पहली में जो मैं देखना चाहता हूँ इस हाथ में, वो रहा आपका शान लाइन। इतना अच्छा शान लाइन जो लाक लाइन के साथ मिला हुआ है, और लाक लाइन थोड़ा बहुत इधर से जाकर, अर्थात देखिए ये जो लाक लाइन है ये इधर से अर्थात केतु माउंट से उत्थित हुआ है, उठा है। इतना अच्छा सनलाइन अगर किसी का मन गया तो वो कोई भी जरूरत नहीं है आपको इतना बड़ा मेहनत करने की, बड़ा कुछ करने की, अपना आप हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है, रेखा ही बता देगा। पहली बात देखिए, ये जो इतना अच्छा रेखा ही है, ये एक डमरू साइन भी है। किसी के हाथ में डमरू साइन है तो उसका जो सक्सेस है वो पक्की हो जाता है जिंदगी का एक तौर पर जाके। पहली बात तो खुद का सुनना होगा, खुद का करना होगा, और खुद का दम पर आगे बढ़ना होगा आपको। कोई कुछ भी बोले उसके आप बिल्कुल शांत बैठ जाइए, बिल्कुल कुछ मत बोलिए, क्योंकि आपका हाथ में सक्सेस की रेखा ही है। लेकिन तब तक होगा जब तक आप किसी को बात नहीं, ज़्यादा नहीं सुनोगे, ज़्यादा नहीं मानोगे, क्योंकि इन लोग दूसरे का बात ज़्यादा सुन लेता है, किसी का उंगली ज़्यादा बैंड हो जाता है तो, और बृहस्पति माउंट बहुत ख़राब हो गया। तो मैं मानता हूँ अपना बुद्धि से चलता है, लेकिन फिर भी इतना गाइडेंस का आवश्यकता इतना ज़्यादा हो जाता है। और एक बात, आप तब तक आपका पास कोई नहीं आएगा जब तक आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये सेल्फ रिलेटेड जो है, सेल्फ रिलेटेड आपका लक लाइन है, और सेल्फ रिलेटेड आपका सन लाइन भी है। सन लाइन अगर सेल्फ रिलेटेड हो जाए तो ये बंदा ज़्यादा एक्टिव माइंडेड का होता है, और खुद का काम खुद करने की कोशिश करता है, ज़्यादातर किसी का ऊपर काम काम का टालता नहीं है, और अकेला चलना पसंद करता है। ज़िंदगी में अकेला ही चलना है, इनको भी यही सपोर्टिंग दिखा दिखा रहा है मेरे को, अकेला ही चलना है इसको। अगर किसी का सपोर्ट भी ले लिया तो उससे ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाएगा। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो गाइडेंस नहीं चाहिए, गाइडेंस गाइडेंस सही है, लेकिन जो गाइड होगा आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट जितना करेगा आपको, उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद को अगर गाइड कर लिया तो ज्यादा पक्का तरक्की आपको मिलेगा, क्योंकि खुद का सुनो फिर आपको मिलेगा तरक्की। ये दर्शा रहा है कहीं ना कहीं ज़िंदगी में बहुत बचपन से आप अभी तक कोई ना कोई इनकम जनरेट कर पा रहे हो, ये भी आगे जाकर भी जारी रहेगा। लगभग 42 और 43 में जाकर, और 46, तो 42 से लेकर 46 तक थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स आपका हाथ में क्रिएट हो सकता है, लेकिन आगे जाकर वो बिल्कुल गायब हो जाएगा, क्योंकि इतना अच्छा रेखा है जो है, हर एक रेखा में क्लियरिटी नज़र आ रहा है मेरे को। इतना क्लियरिटी रेखा सबका हाथ में नहीं होता। ये जो है सन रेखा है, सन रेखा इतना बड़ा है, और ये जाके मिलावट हुआ है आपका लक लाइन के साथ। सन लाइन इतना बड़ा होने का मतलब है आपका रिस्पेक्ट, आपका जो क्वालिटी का ऊपर
जो भी करोगे आप, आपका जितना भी क्वालिटी है उसके ऊपर जो भी करोगे उसमें बहुत सक्सेस आपको मिलेगा। हार एक बात को, हार कैसे भी हो, हार एक बात को आप टालते नहीं हो, किसी का बात अच्छा तरीके से सुन लेते हो, समझ लेते हो, फिर आपका माइंड एक्टिव हो जाता है और आप काम करने लग जाते हो। कहने का मतलब ये है, आप कोई भी काम करो, कैसे भी करो, उसमें आपको सक्सेस बहुत जल्दी से जल्द ही जल्द मिल जाएगा, ज़्यादा रुकावट नहीं आएगा, और वो फुल्ली रिस्पेक्ट के साथ और फुल्ली हमेशा, कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपका लाइफ में, पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगा। रेखा ही भी अच्छा है, माउंट भी अच्छा है, इतना अच्छा माउंट होने का मतलब है आप जहीं जहीं पे भी जाए बिना डाउट के आप कुछ भी कर सकते हो, अपना सक्सेस अपना करियर खुद में चूज कर सकते हो। शायद आपको मैं ये साथ में ये और एक रेखा दिखाई दे रहा है, शायद लाभ मैरिज हो सकता है आपका। बुध एक माउंट है जो एक महत्वपूर्ण बात बताता है अपना खुद का जिंदगी का। अगर किसी का बुध माउंट अच्छा हो जाए तो सबका साथ कैसे मिलना है उसको बहुत अच्छा तरीके से पता है, किसका साथ कैसे बात करना है वो बहुत अच्छा तरीके से पता है, ये बच्चों को साथ बच्चों वाले बात करता है, बड़ों के साथ बड़ों वाली बात करता है, छोटे वाले बात करता है, और जो मिडिल होता है खुद का वो मिडिल तरह की बात करता है। ये बहुत अच्छा एक इंटेलिजेंट का निशानी है बुध माउंट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा रेखाएँ होना, एक इन्वेस्टमेंट की रेखा है आप बोल सकते हो। कभी कभार इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा पैसा दे देता है, किसी किसी ने पूछता है जो ऑनलाइन का बिजनेस कैसे दिख जाता है। ये रहा आपका मून माउंट और ये रहा आपका मरकरी माउंट। अगर मून माउंट और मरकरी माउंट बहुत अच्छा हो गया तो वो बिजनेस में चकाचक हो जाता है, उसके साथ साथ ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा तरीके से निभा पाता है ये लोग, ये एक प्लस पॉइंट बोला जाता है। बातों का माहिर होता है इन लोगों ने, ये थोड़ा करियर का प्रॉब्लम होता है, अपना मन की बात को दूसरे का सामने ज्यादा से ज्यादा रख नहीं पाते, खास करके अपना लाइफ पार्टनर के ऊपर। जो भी हो बातों में थोड़ा कमजोरी आना, और ज्यादा से ज्यादा ये होता है कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते हो आप हर एक के सामने, हर एक व्यक्ति के सामने, इसीलिए बातों में रुकावट बहुत ज्यादा आ जाता है, मैनेजमेंट जो क्षमता है वो बहुत कम हो जाता है। हर एक काम में आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो फिर कर लेते हो, और जब सोचने के बाद आपका सही तरीका सही रास्ता नहीं मिलता तो आप ऐसा काम कर लेते हो जो नहीं करना चाहिए कभी भी। तो ये हो सकता है कम्युनिकेशन ईरर का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है, हर एक व्यक्ति से आप नहीं मिल पाओगे, कभी कभार अगर मिलोगे भी लेकिन अपना मन की जो बात है वो खुलकर नहीं बोल पाओगे। सेम टू सेम है और मिडिल दोनों एक ही है, आप ज्यादा रिस्क लोगे लेकिन उसमें भी सीमित रहेगा, बहुत ज्यादा रिस्क आप नहीं कवर कर सकते हो। आपका बड़ा पद प्रतिष्ठा चाहिए, बड़ा जगह चाहिए, बड़ों से बड़ा बनना है, ये मेरे को दिखा रहा है, दिख रहा है, लेकिन जितना भी बड़ा चाहे बनो आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हो, आप एक मिडिल तरह की रहना है। लेकिन ज़िंदगी में तो ज़िंदगी का दौर पर ऐसा एक जगह में आप जा सकते हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाला है, और ऐसा भी काम आप करोगे जिसका थ्रू आपका पैसा भी बहुत आएगा, और सुना मतलब जो होता है रिस्पेक्ट भी बहुत कमा लोगे आप। ये एक छोटा सा जो रेखा होता है ना, ये बहुत ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम में डाल देता है उन व्यक्तियों को, ये सबका बात सुनने की आदत इनको नहीं रहता है, खुद जो बोलता है उसी को ही सुनता है और उसी को सुनने की कोशिश करता है, वही काम को बार बार लगाने की कोशिश करता है, बार बार उसी में कामयाबी ढूंढता है ये लोग। प्लानिंग वगैरह बहुत हो जाता है लेकिन कार एक प्लान बहुत जगह पे सक्सेस नहीं हो पाता। एक तरह से गुरु माउंट से शुरुआत हुआ है, एक तरह से लाइफ लाइन के जाकर मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं का अपना जो नॉलेज पावर है उसका थ्रू काम कर लेगा, और कहीं ना कहीं जिंदगी का चलते हुए
कैसे भी हो, वो अगर फिजिकली हो मेंटली हो, ऐसा काम कर लेगा जिसके थ्रू सक्सेस मिल सकते हैं इनको। तेज दिमाग वाला होता है इन लोग, इंटेलिजेंट बहुत रहता है। बात याद रखने की क्षमता भी थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है इन लोगों के अंदर। ज़्यादा क्रॉस अच्छा नहीं है, खास करके मंगल की मिडिल, मंगल की ओर, मिडिल मार्स की ओर। ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस बन गया मतलब फैमिली से एक प्रेशर ज़्यादा हमेशा के लिए बना रहता है, हमेशा के लिए बना रहता है, हमेशा के लिए कोई ना कोई तनाव में डूबा रहता है। ये लोग बहुत कम ही होता है जो इनमें से निकल सकते हैं और सक्सेस पा सकता है, क्योंकि एक तनाव, एक टेंशन ख़त्म हो गया था, दूसरा को टेंशन आके हाजिर हो जाता है, अपना दिमाग के ऊपर हावी हो जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में पड़ सकता है। आपका जो प्रॉपर उन्नति है वो कम उम्र से ही मिल गया, लगभग 17-18 से ही आपको प्रॉपर जो सक्सेस है मिलना चालू हो गया, और वो पूरा ज़िंदगी भर कायम रहेगा। ये अगर एक मछली साइन बना, सैटर्न माउंट के ऊपर मछली साइन बना, बहुत 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 बढ़िया बात है। देखिए, एक तो मछली साइन को होना हमारा पाम हिस्ट्री में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये लोग इंटेलिजेंट नहीं, ये पावरफुल इंटेलिजेंट, मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, देखिए इन लोग ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, अनएक्सेप्टेड नॉलेज कैरी करता है ये लोग, और इतना पैसा कमा लेता है ज़िंदगी में जिसका कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कोई, रिस्पेक्ट के साथ पैसा। और ये मछली साइन कहीं ना कहीं आपको हर एक प्रॉब्लम से, हर एक समस्या से, हर एक जो होता है नेगेटिविटी से आपको हमेशा के लिए दूर रखेगा। ये माउंट कहीं ना कहीं आपको ज्ञान को बढ़ा रहा है, नॉलेज पावर को दर्शा रहा है, और नॉलेज पावर हमेशा के लिए बना रहेगा, और बहुत अच्छा नॉलेज पावर के थ्रू आप कामयाब हो पाओगे। अपना थॉट्स को जल्दी प्रमोशन करना, अपना थॉट्स के ऊपर जल्दी एक्शन लेना, बहुत जल्दी कैसे क्या करना है इसका थ्रू थोड़ा बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पाम के कंपेरिजन में जो फिंगर बहुत छोटा है, लिटिल है। आपको हर एक काम में सक्सेस चाहिए, और सक्सेस जल्दी भी चाहिए, और किसी के अंडर में काम करना भी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं एक सलाह दूँ, आप बिजनेस करिए, बिजनेस में आपको सफलता जो सक्सेस है बहुत ज़्यादा मिलेगा। ये जो साइन है इधर आके रुक गया है, फैमिली और पैसों दोनों को इक्वल महत्व देते हो, किसी को कम किसी को ज़्यादा नहीं देते हो आप कभी। ये विष्णु सिंबल आपका धैर्य का प्रतीक है, आप जितना भी धैर्य पकड़ लेंगे, जितना भी धैर्य आपका अंदर है, पेशेंस है, उस उतना ही सक्सेस ज़्यादा मिलने वाला है। एक ही काम को कीजिएगा, इधर उधर मत भटकाएगा, भटकाइएगा, ये काम करना है, वो काम करना है, ये काम छोड़ो, वो काम करो छोड़ो, ऐसा मत कीजिएगा। आप एक ही काम को पकड़ लीजिएगा और एक ही काम करता रहिएगा, आप बिल्कुल, मैं 100% दवा कर सकता हूँ, आप शांति से पूरा ज़िंदगी अच्छे से गुजारा कर सकते हो, कर पाओगे भी। लगभग आपको जो प्रॉपर्टी है वो खूब जल्द, बहुत जल्द मिल जाएगा। वेनस माउंट इतना अच्छा, ज़्यादा उभरा हुआ का संकेत अच्छा नहीं देता। वेनस माउंट ज़्यादा उभरा हो गया हो, अट्रैक्शन ज़्यादा होता है अपोजिट सेक्स के ओर, खास करके इसके थ्रू कैरेक्टर के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बन सकता है। लेकिन ये लोग जो होता है कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए हमेशा के लिए तरसता है, हमेशा के लिए सोचता रहता है ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट कैसे मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट होने के बावजूद ज़िंदगी में परेशानियाँ भी ज़्यादा आ जाता है और खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं खुद का और ध्यान दे, और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा मत कीजिए आप। एक ही लाइन, स्पेस बहुत कम होने का मतलब है आपको नेगेटिविटी को हटा के पॉजिटिविटी को ज़्यादा बढ़ा देना है, इसमें आपका ही कामयाब ज़्यादा मिलेगा। ज़्यादा टेंशन आप कभी भी नहीं लेते हो, थोड़ा बहुत टेंशन लेते हो,
लेकिन अब कल्पनाएं बहुत ज़्यादा कर ले तो, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं कर ले तो, बहुत ज़्यादा सोच ले तो, बहुत ज़्यादा जो हवा में उड़ने वाली जो बात होता है उसमें माहिर हो जाते हो। तो इसलिए जो दिक्कत परेशानी है वो कम होते हुए भी आपको ज़्यादा ज़्यादा भारी लगता है। ये इंटेलिजेंट ही का निशान है, आप बहुत इंटेलिजेंट होंगे, क्योंकि ये जो सनलाइन है ये भी बहुत अच्छा है और ये जो जॉब साइन है ये भी बहुत अच्छा है। मतलब आप कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस के साथ बहुत तेज दिमाग वाला भी होंगे, आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और रेस्पेक्ट कमाने वाला भी होंगे आप। ये खड़ी खड़ी रेखा है फ्रेंड की ओर से और फैमिली की ओर से आपको सपोर्ट हमेशा के लिए मिलता जाएगा। ये जो आप जितना भी सक्सेस आपको मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली सपोर्ट के थ्रू मिलेगा, क्योंकि ये फैमिली सपोर्ट की रेखा ही है और फैमिली था सपोर्ट से ही आपका लक लाइन बन रहा है। मतलब जितना भी मिलेगा आपको प्रॉपर जो सक्सेस आपको मिलने वाला है वो रहा आपको फैमिली सपोर्ट से ही मिलने वाला है। ये जो रेखा है एक ही रेखा है आपको ज़िंदगी में कभी कभार बहुत बुराइयाँ डाल देता है, जिसका चलते हुए आप खुद को नहीं रोक पाते हो और ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन मन में हावी हो जाता है। आप एक काम कीजिए, अभी कभी भी आप कभी भी किसी से उधार मत लीजिएगा, वो चुकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये उधार करवाता है ये लाइन। व्यक्ति को सही तरीका से सही आराम से नहीं रहने देते हैं, इधर उधर घुमा लेता है, काम जो करता है उसमें रुकावट डाल देता है और हमेशा के लिए दिमाग में एक प्रेशर बना रहता है इस लाइन के थ्रू। शादी का प्रश्न आया था, शादी तो आपका लगभग इधर तो नहीं है बिल्कुल, फिर भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपका लगभग 30 के उम्र में आपका शादी होगा, लेकिन जो होगा वो बहुत अच्छा फैमिली में होगा और बड़ा फैमिली में होगा, क्योंकि ये जो रेखा है नीचे की तरफ गया है सही है, लेकिन ये जाके पूरा की पूरा सन लाइन को कर दिया है। ससुराल जो होंगे वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला मिलेगा आपको। ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिला देता है। मंगल की ओर से, और एक बात, फैमिली के लिए जितना भी चाहे जितना भी खराबी हो ये बहुत एक सपोर्ट दे देता है उसको, जितना भी टेंशन हो परेशानी हो इसको बहुत सपोर्ट मिल जाता है इसके थ्रू। तो ज़्यादा परेशानी तो आपका हाथ में नहीं है, ये जो रेखा ये कन्फ्यूज़न बढ़ा देने वाला है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न कभी कभार बढ़ा देता है मन में। शादी आपका लेट बनेगा लेकिन बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा, शादी अच्छे जगह पे होगी और हर एक प्रॉब्लम आपको सॉल्व हो जाएगा।